नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस का मैं नजर है। अभी हम आए हुए हैं मोहम्मद अफसर जी के पास, जो वार्ड नंबर 44 के पार्षद हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपने क्या क्या काम किया हमारी जनता को आप कुछ बताइए ताकि उनको कम जानकारी हो। सबसे पहले तो मैं झारखंड वासियों को ये महापर्व जो हमारे पवित्र पर्व है रमजान का बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। जब से पार्षद बने हैं तब से हमारे क्षेत्र में साफ सफाई और नाली रोड की व्यवस्था का पूरा पुरजोर कोशिश किए हैं और बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। 2 साल में बहुत नाली रोड अभी सब बना है। अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा आपदा आया हुआ है, पूरा वर्ल्ड में एक महामारी के रूप जो धारण किया हुआ है उसमें अभी हम लोग लगे हुए हैं राइज वगैरह का पूरा क्षेत्र में, पूरे वार्ड नंबर 44 में और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। देखिए प्रशासन की तरफ से अभी तक हम लोगों को कुछ मदद वैसा मिली नहीं जो मदद मिलना चाहिए। जो गरीब गुरबा जो है उन लोगों को जो मदद मिलना चाहिए वो प्रशासन की तरफ से अभी उन लोगों को कुछ मिला नहीं है। सरकार घोषणा कर रही है पर वो जमीन पर उतर नहीं। देखिए अभी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है मिडिल क्लास का लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को दिक्कत आ रही है। सबसे पहला दिक्कत उन लोगों का खाने पीने के व्यवस्था का दिक्कत आ रही है जो बहुत मुश्किल से चल रहा है। हमारा जो अपने अख्तियार था, अपने तरफ से जो करना था हमने किया। सरकार हमें 10,000 रुपया दी है जो नगर निगम से मिला है, जो चावल हमने बांटी है। और सरकार की तरफ से मैं मांग करता हूं कि इसे नजरअंदाज ना करे और सब वार्ड पार्षदों को कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत किट जो है 1,000 देने का मैं अनुरोध करता हूं हेमंत सरकार से, और जल्द से जल्द इसमें हेमंत सरकार इसमें नजर रखें। विधायक जी की तरफ से कुछ मदद? देखिए विधायक और संसद एक समुदाय को लेकर चल रहा है। विधायक जी और संता जी का जब हमने बात किया इन लोगों से तो इन लोगों का कहना है कि क्या एक समुदाय के लोग हमको वोट दिए हैं इसलिए वो एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं। विधायक और संसद से हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है और ना ही हमको उम्मीद लगता है कि विधायक और संसद हम लोगों को कुछ मदद करने के लिए तैयार है। मतलब इस चीज को भी मतलब कॉमनल तरीके से लेके चला जा रहा है। हाँ ये चीज देखिए ये हमेशा से ही बीजेपी का साथ रहा है कि वो कॉमनल लेके ही चलता है। विधायक जी या संसद जी, हम संसद और विधायक से कहना चाहते हैं कि वो लोग एक लिस्ट हमको बता दे कि मुस्लिम महिला या एक समुदाय को छोड़ के दूसरे समुदाय को तरफ ध्यान दे रहे, एक समुदाय को ध्यान नहीं दे रहे, एक भी मुस्लिम महिला का नाम बता दे वे वो कि हमने अपना मोदी आहार बांटा है। हम चैलेंज करते हैं कि हम उस दिन अपना इस्तीफा दे देंगे। एक जगह से भी अगर वो हमको बता दे कि मुस्लिम महिला में हम मोदी आहार और हमारा विधायक और संसद हम लोगों को कोई मदद नहीं कर रही है, कहीं से मदद नहीं कर रही है। किस तरह का प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप अपने कॉलोनी में, अपने एरिया में? देखिए प्रॉब्लम बहुत है, यहाँ बहुत लोग मजदूर लोग फंसे हुए हैं जिसको हम लोग बाहर भेजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीओ साहब भी इसमें मदद कर रहे हैं, हमारे डोंडा थाना के प्रभारी भी मदद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमें परेशानी हो रही है वो लोग जो मजदूर, जो छात्र है जो यहाँ फंसे हुए हैं, लॉज में रह रहे हैं, वो दिक्कतें सामने आ रही है। उन लोगों को खाने की व्यवस्था, उन लोगों का राशन की व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा दिक्कत है जो जहां तक हमसे हो रहा है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार अगर इसमें ध्यान दे और तुरंत अविलंब उसमें सामग्री देने का ये करें।